और पशुपति व्रत का एक नियम है, ध्यान रखिएगा, किसी भी कामना के लिए, जिस भी कार्य के लिए आपको करना है पशुपति व्रत आप कर सकते हैं। घर में पूजन, पांच व्रत पशुपति के होते हैं, पांच सोमवार एक ही मंदिर में होते हैं, मंदिर नहीं बदला जाता, और पूजन की थाली में आप पूरा जमा कर अभिषेक पूजन का सामान लेकर सुबह के समय पूजन करने जाएं शिव जी का, प्रेम से अभिषेक पूजन करिए, शाम को वही थाली लेकर वापिस आ जाएं, उस थाली को वैसा की वैसे ही रख दो, उसमें जो पूजन का सामान लेकर जाएं वो इतनी मात्रा में लेकर जाएं कि शाम को भी वो काम में आ जाए। शाम को अलग से कोई सामान नहीं रखना है आपको, थोड़ा सा सामान जल वगैरह भले बाद में रख सकते हो, पर बाकी का छह दिए लेकर जाएं, मीठे का प्रसाद लेकर जाएं मंदिर में, जब शाम के समय प्रदोष काल में या शाम के समय पूजन करें, पूजन कर शिव जी के मंदिर में पांच दिए प्रज्वलित कर दें, प्रकट कर दें, उसको प्रज्वलित कर दें, जला दें। मीठे का जो प्रसाद लेकर गए हो उसके तीन हिस्से कर दें, दो हिस्से भगवान शंकर के सामने रख दें, एक दिया छह दिए में से एक दिया थाली में वापिस रख लें, एक प्रसाद का भाग वापिस रख लें, और भगवान से निवेदन कर विनती कर बाबा ओघड़दानी से निवेदन कर पशुपतिनाथ से विनम्र निवेदन कर बाबा से विनय कर थाली लेकर वापिस आ जाएं। जो अपनी कामना है वो पहले व्रत में ही कह दे बाबा से, और वो थाली लेकर आए, घर के बाहर राइट हैंड में सीधे हाथ की ओर बैठ कर, घर में प्रवेश करने से पहले सीधे हाथ की ओर वो दिया जो लेकर आए हो उसको प्रज्वलित कर दें, अपनी कामना कर दिए को प्रज्वलित कर इस प्रकार से पांच व्रत पूर्ण करें। जब पांचवा व्रत पूर्णता पर हो तो पांचवें दिन 108 या तो चावल के दाने या मूंग के दाने 108, या पुष्प हो या कोई सामग्री हो 108, फूल हो बेलपत्र हो जो भी आपके पास में हो 108 सामग्री वो बाबा को समर्पित करें, श्रीफल 11 रुपए बाबा को रखकर निवेदन कर आएं। इसका कोई उद्यापन नहीं है कि अलग से अपन को कुछ करना पड़े, बस बाबा से निवेदन करें कि मेरा ये कार्य सफल करे। वैसे तो मुझे विश्वास है आप में से जितने लोग बैठे हैं कईयों ने करे होंगे और कईयों को उसका फल मिला होगा। तो पशुपति व्रत का एक विधान है कि आप उसको दिल से हृदय से मन से बाबा को रिझाकर प्रेम से करें। केवल पांच व्रत करना है, और उस पांचवें व्रत में समापन पर विराम पर उस पांचवें व्रत में आप बाबा को जो भी आपका निर्मल भाव है वो समर्पित कर 108 बेलपत्र चावल मूंग कुछ भी बाबा को चढ़ाकर पुष्प आदि बाबा से निवेदन करें और पशुपति व्रत अवश्य धारण करें। ये व्रत अगर बीच में कभी रजस वाला धर्म आ जाए या घर से कहीं जाना पड़ जाए तो आप व्रत को करें। मतलब इस व्रत का एक नियम है कि आप सुबह फलाहार कर लें, शाम को भोजन, बस भोजन शाम को करना है। जो भोग लगाया है अपने प्रसाद लेकर आए हो, एक हिस्सा प्रसाद का लेकर आए हो, भोजन करने से पहले सबसे पहले उसी को खाना है, उस प्रसाद के हिस्से में से किसी को नहीं देना है, चाहे घर में बच्चे हों चाहे बड़े हों, वो भाग केवल आपको ही ग्रहण करना है। पशुपति व्रत का नियम, इस व्रत के करने से जीवन का एक सुख प्राप्त हो जाता है, जो भी आपका कार्य है वो सफल होता है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है।